गाइस आपके फोन को चोरी करने के बाद चोर आपका फोन फ्लाइट मोड में कर देगा। तो इसके लिए आपको सिंपली एक ऐप डाउनलोड करना होगा। इस एप्लीकेशन को आपको अपने फोन में सेटअप करना है और जैसे ही आपका फोन कोई चोरी करेगा तो जैसे ही वो आपका फोन स्विच ऑफ करेगा तो उसको एक फेक शटडाउन का स्क्रीन शो करेगा। फिर चोर को भी ये लगने लगेगा कि आपका फोन स्विच ऑफ है। फिर आप अपने फोन का लाइव लोकेशन, फोटो, वीडियो और सारा डेटा रिमोटली ट्रैक कर सकते हैं। और तो और गाइस, अगर चोर ने आपके फोन से सिम रिमूव कर दिया और नया सिम लगा दिया तो ये एप्लीकेशन उस नए सिम के नंबर से आपको एक अलर्ट मैसेज सेंड कर देगा। इस एप्लीकेशन में ऐसे और भी कई सारे फीचर भरे हुए हैं जो कि आपके फोन को एकदम सेफ करता है। गाइस, सैमसंग के फोन में आने वाले जो कीबोर्ड है उसमें बहुत सारे आपको टूल्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आजकल के सिंपल फोन में देखने को नहीं मिलते। प्ले स्टोर पे जाकर आप चाहे तो की कैफे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत सारे टूल्स देखने को मिल जाएंगे। इसे आप एकदम इजीली यूज कर सकते हैं और ये एकदम फ्री है। इस एप्लीकेशन के अंदर आपको बहुत सारे यूनिक कीबोर्ड देखने को मिल जाएंगे और तो और आप चाहे तो इसे अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं जैसे कि कीज, बैकग्राउंड कलर, फ्रंट डिजाइन और आप चाहे तो इसमें टच कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसमें आप चाहे तो अपने हिसाब से मन पसंदीदा स्टिकर क्रिएट कर सकते हैं। गाइज, अब आप अपने स्मार्टफोन को फुल फ्लैश टैबलेट मोड में चला सकते हैं। लाइक जैसे आपका व्हाट्सएप एकदम सेपरेट टैबलेट मोड में चलेगा। गाइज, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे क्रोम एप्लीकेशन को मैंने ओपन किया है, यहाँ पे आपको डेस्कटॉप मोड देखने को मिलता है। आपको एकदम डेस्कटॉप या विंडोज जैसी स्क्रीन प्रोवाइड कराते हैं जिसमें आप मल्टीटास्किंग भी आसानी से कर सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें आपको कई सारे फीचर देखने को मिलते हैं जो कि एकदम डेस्कटॉप मोड में देखने को मिलते हैं। और तो और आप इसमें एकदम मल्टीटास्किंग बहुत ही इजी से कर सकते हैं। गाइज, अब बारी है इस फीचर को अनलॉक करने की, तो आपको सिंपल से अपने अबाउट फोन में आ जाना है। फिर आपको यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना है। जैसे आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा तो यू आर नाउ आर डेवलपर लिखा आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है विड्थ। कुछ फोन में यहाँ पे स्मॉलेस्ट विड्थ लिखा आता है तो आपको यहाँ पे सिंपली आ जाना है और यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे टैप करना और यहाँ पे जो आपको डिफॉल्ट वैल्यू दिखेगी इसको बदल 612 पे सेट कर देना। फिर देखिए कमाल।